इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा ही देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में की फैक्टर रहा है और इस सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाखों लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। दुनिया के टॉप 10 एग्रीकल्चर सेक्टर में शुमार इंडिया में भी एग्रीकल्चर के फील्ड में करियर बनाने को लेकर के स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड रहते हैं। बड़े स्केल पे खेती बाड़ी से जुड़े कामकाज करना हो, अपना स्टार्टअप शुरू करना हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम से जुड़ना हो या फिर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनना हो, इन सबके लिए एग्रीकल्चर की डिग्री होनी जरूरी है। अगर आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे लेना है। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अवेलेबल कोर्सेज की। तो बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया में ये सबसे कॉमन और पॉपुलर कोर्स है जो कि इस सेक्टर में आपकी एंट्री के लिए जरूरी है। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें एग्रीकल्चर रिसर्च और प्रैक्टिस के साथ साथ एग्रीकल्चरल साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी जैसी चीजें सिखाई जाती है। बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेस्ट्री की बात करें तो ये भी 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो 8 सेमेस्टर्स का होता है और इसमें फॉरेस्ट्री के ऊपर स्टूडेंट्स की जानकारी बढ़ाई जाती है और ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्लांटेशन और जंगल के नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना। बीएससी इन सेरीकल्चर की बात करें तो सिल्क यानी रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। 3 साल के इस डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ क्लास 12th पास करना जरूरी है। मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम के जरिए यूनिवर्सिटीज इसमें एडमिशन देती है। इस कोर्स के कम्प्लीट होने पर एक कैंडिडेट सेरीकल्चरिस्ट, सेरीकल्चर रिसर्चर, सेरीकल्चर असिस्टेंट और सेरीकल्चर इंस्ट्रक्टर की पोजीशन पर काम कर सकता है। बैचलर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये 3 से 4 साल का लंबा अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑर्किड और प्लांट्स की ब्रीडिंग सिखाई जाती है। इसके अलावा भी प्रोडक्ट मार्केटिंग, फार्मिंग मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल और दूसरी चीजों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस कोर्स में भी एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ क्लास 12th करना जरूरी है। स्टूडेंट को या तो मेरिट के बेस पर या तो एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन दिया जाता है। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एडमिशन कैसे देंगे। कोर्स के पूरा होने पर एग्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरीज और ऑर्किड्स में काम करने का मौका मिलता है। इनके अलावा भी बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन फूड न्यूट्रिशन जैसी डिग्री कोर्स में स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकते हैं। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में अब तक बताए गए सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए किसी भी स्टूडेंट का साइंस स्ट्रीम से हायर सेकेंडरी पास करना जरूरी होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ अगर अच्छा मेरिट है तो पॉसिबल है कि मेरिट लिस्ट से एडमिशन मिल जाए या फिर अच्छी रैंक के साथ एंट्रेंस एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो देश की टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल सकता है। और अगर बात करें एंट्रेंस एग्जाम की तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देकर के किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, जिसे ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन यानी ICAR AIEEA कहते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करवाती है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए ये एग्जाम अलग अलग लिए जाते हैं जो साल में एक बार होते हैं और इस ऑनलाइन एग्जाम का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है। ICAR AIEEA देकर अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो कम से कम आपकी उम्र 16 साल होनी चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्लास 12th पास होना जरूरी है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपके 40% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर ICAR AIEEA एग्जाम किसी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन पाने के लिए देने वाले हैं तो आपकी उम्र कम से कम 19 साल होनी चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ क्लास 12th और एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की डिग्री भी जरूरी है। इनके अलावा भी एग्रीकल्चर में जो भी कोर्स अवेलेबल है उनके लिए अलग अलग एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और दूसरे टर्म्स और कंडीशंस है जिन्हें आप NTA या ICAR की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। अब अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है और क्वेश्चन पेपर हिंदी और अंग्रेजी में मिलता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे 5 सब्जेक्ट्स में सवाल पूछे जाते हैं जिनमें किसी भी 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। हर सब्जेक्ट से 60 मल्टीपल चॉइस के सवाल पूछे जाते हैं जिनमें 180 सवालों का जवाब आपको देना होता है। हर सवाल के 4 मार्क्स मिलते हैं, मतलब टोटल 720 मार्क्स। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और हर गलत आंसर पर 1 नंबर काटा जाता है।
अगर कोई सवाल आप छोड़ देते हैं तो उस पर कोई मार्क नहीं मिलता है और ना ही मार्क्स काटे जाएंगे। नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के अलावा भी अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी भी अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम ले या स्टेट लेवल का एंट्रेंस आपको क्वालिफाई करना पड़े। अब चलिए एक नजर डालते हैं देश के टॉप 10 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट पर। सबसे पहले है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। 1960 यानी कि 1960 के दशक में एस्टेब्लिश्ड हुई ये यूनिवर्सिटी देश की पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंत नगर में ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फिशरी साइंस, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस में कोर्स अवेलेबल है। नंबर दो पर है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 7219 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में मेनली चार कॉलेजेस आते हैं, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज और कॉलेज ऑफ होम साइंस। तो सभी कॉलेज में लेक्चर रूम्स, लैब्स, ऑडिटोरियम, सेमिनार रूम्स, ऑडियो विजुअल लैब्स, कंप्यूटर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी में एक फार्म भी है जहां पर सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। नंबर तीन पर है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो यूपी के बरेली में है, जहां पर 20 अलग अलग विषयों पर पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कोर्स अवेलेबल है। यहां पर एनिमल हस्बेंडरी, एनिमल रिप्रोडक्शन, वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री हस्बेंडरी, मेडिसिन एंड सर्जरी और मीट प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। नंबर चार पर है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। करनाल हरियाणा में मौजूद ये यूनिवर्सिटी इंडिया की लीडिंग डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो डेयरी टेक्नोलॉजी में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और डिप्लोमा कोर्स ऑफर करता है। यहाँ पर एडमिशन मिलने पर आप डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, मास्टर्स प्रोग्राम और डॉक्टरल प्रोग्राम की पढ़ाई कर सकते हैं। नंबर पाँच पर है जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए हैदराबाद की जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को भी काफी अच्छा माना जाता है। यूजी, पीजी, पीएचडी और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, होम साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप एग्रोनॉमी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी जैसे कई सारे और भी कोर्सेज कर सकते हैं। नंबर छह पर है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। लुधियाना, पंजाब में स्थित इस यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ होम साइंस, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है, जहां पर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और होम साइंस में चार यूजी कोर्सेज, 43 पीजी कोर्सेज और 29 पीएचडी कोर्सेज उपलब्ध हैं। नंबर सात पर है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। जबलपुर, मध्य प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी स्थित है, जो बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन फॉरेस्ट्री और बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कोर्सेज ऑफर करते हैं। नंबर आठ पर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय किसी जमाने में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का हिस्सा हुआ करता था, जो कि अब एक अलग यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ 28 कॉलेजेस एसोसिएटेड है। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर, वेटरनरी, डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। और आखिरी में आता है नंबर 9 पर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर भी आता है। ICAR एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा है। इस इंस्टीट्यूट में पीजी और पीएचडी कोर्सेज की पढ़ाई होती है, जिनमें एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, सीड साइंस, सॉइल साइंस और वाटर साइंस जैसे डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं। इनके अलावा भी मुंबई का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, बेंगलुरु का यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, इम्फाल की सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और मेरठ की सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही देश के लगभग सभी राज्यों में वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हमने जिन भी यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स आपको दी है, आप उनकी वेबसाइट से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ जो जो कोर्सेस अवेलेबल हैं उनके बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में अवेलेबल उन जॉब प्रोफाइल्स की जिन्हें इस सेक्टर का हाईएस्ट पेड जॉब माना जाता है। सबसे पहले है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम पास करना होता है।
इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में भेजा जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बनने के बाद देश भर के अलग अलग राज्यों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है, जो एक रिस्पेक्टेड जॉब है और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। इसी तरह नाबार्ड ग्रेड बी ऑफिसर के प्रोफाइल की हम बात करें तो इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया बेसिस पर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रेड बी ऑफिसर के तौर पर काम करने का मौका मिलता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करना इस ऑफिसर का काम होता है। अगली जॉब प्रोफाइल है एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट। इस पोस्ट पर काम करने के लिए आपको एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ेगी, जो प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम इन दोनों स्टेजेस में होता है। 55 अलग अलग डिसिप्लिन में ये एग्जाम आप दे सकते हैं। और अगली जॉब प्रोफाइल है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर। इनका काम होता है कृषि क्षेत्र से जुड़े काम की क्वालिटी को चेक करना, इन्वेस्टिगेशन करना, सैंपल्स की टेस्टिंग करना और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बनाए हुए नियमों को लागू करना। इसे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक प्रेस्टीजियस और हाईएस्ट पेड जॉब के तौर पर देखा जाता है। इनके अलावा भी अलग अलग डिग्री और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर मैनेजर, बायोकेमिस्ट, एग्रीकल्चरल एजुकेटर, एग्रोनॉमी सेल्स मैनेजर जैसे रोल्स को चुन सकते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और फिर भी आपका कोई सवाल है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। इसी के साथ, इस वीडियो को ऑलरेडी आपने लाइक कर लिया है तो प्लीज इसे बाकी लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर ऐसी अमेजिंग जानकारियां आप मिस नहीं करना चाहते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगली जानकारी में। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।